आपका जेके खबरनामा में मैं हूं आपके साथ चंदा यादव। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी खबरों पर। चौहान महिला मंडल आरएसपुरा की तरफ से सोमवार को जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक के सहयोग के साथ मीरा साहिब क्षेत्र के गांव में महेसिया में एक दिवसीय जागरूक कैंप का आयोजन किया, जिसमें लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूक बनाया गया। महिला मंडल के प्रधान नीलम चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित एक दिवसीय जागरूकता के दौरान बैंक के शाखा प्रबंधक दुष्यंत खजूरिया मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री श्यामलाल चौधरी म्युनिसिपल कमेटी आरएसपुरा के चेयरमैन सतपाल पप्पी ने सोमवार को कस्बे के वार्ड नंबर 2 में ओल्ड कम्युनिटी हॉल का निर्माण कार्य मेगा प्रोजेक्ट के तहत शुरू करवाया। इस अवसर पर म्युनिसिपल कमेटी आरएसपुरा के पार्षदों सहित काफी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर म्युनिसिपल कमेटी आरएसपुरा के चेयरमैन सतपाल पप्पी ने बताया, वड्डा पैच वार्ड नंबर 2 में मैंने सामुदायिक हॉल के पूर्ण निर्मित का कार्य करवाया, जिस पर कुल 70 लाख रुपए की राशि खर्च होगी। इसे आरएसपुरा के विच वार्ड मेंबर भी बनिया, वाइस चेयरमैन भी बनिया, चेयरमैन भी बनिया, ये सारा तुहाडी बदौलत है, तुहाडे प्यार की बदौलत। शायद मेरे च ये काबिलियत नहीं सी, मैं इतना काबिल नहीं सा कि मैं कुछ कर पाता, लेकिन इस दिन राजनीति के विच गया ते चौधरी शाम होरां दा नाल बनिया पल्ला बनिया, ते चौधरी शाम होरां ने इन्ना उत्साह मैनूं दित्ता, इन्नी ताकत इसदा पाया। अज देवी द्वारे मंदिर कहिंदे कहिंदे अज कोई कहिंदे नहीं कि बड़ी जरूरत होंगी है, काम भी होते हैं कि काम नहीं होते, एक काम करवाने की अगर छोटा जहाँ मोड की अगर जरूरत होती है बड़ी मुश्किल है। अच्छे कितना बड़ा अमाउंट इस मंदिर से या दूसरे मंदिर से, चाहे शंकर घाट से, चाहे बस स्टैंड से, हर जगह अच्छी डेवलपमेंट, क्योंकि अच्छे केंद्र की जो सरकार है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने अगुवाई की करनी, तो चाहते हैं कि कोई भी ऐसा इलाका, कोई भी ऐसा शहर, कोई भी डिवेलपमेंट के बगैर ना रह जाए। और मैं तो कहता आर एस पुरा म्यूनसिपलिटी जी चुनी हुई म्यूनसिपलिटी है, अज बाकी म्यूनसिपलिटी को ज्यादा डिवेलपमेंट आर एस पुरा म्यूनसिपलिटी ये भी तरह देखा जाए, बाकी म्यूनसिपलिटी नहीं सारे नजर मारीे आर एस पुरा च, चाहे साफ सफाई चाहे डिवेलपमेंट चाहे किसी भी काम की लैके करिए, सब तो अच्छी म्यूनसिपलिटी आर एस पुरा नंबर 1। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के राज्य महासचिव ब्लॉक आरएसपुरा के गंजली पंचायत के सरपंच सरदार गुरदीप सिंह सैनी ने अपने पंचायत में विकास कार्यों को जारी रखते हुए सोमवार को पंचायत के वार्ड नंबर 5 में 3 लाख रुपए की लागत से गलियों और नालियों को पक्का करवाने का कार्य शुरू करवाया। मैं आपके माध्यम से अपनी पंचायत के लोगों को मुबारकबाद देता हूं और अपने ब्लॉक के वीडियो को, ब्लॉक चेयरमैन को, कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी साहब जी को कि जो फंड पंचायतों को दिए जा रहे हैं, 14FC के पैसे थे जो मैंने रखाया था काम की, लेन ड्रेन्स हैं, लिंक है उसके साथ और मेरी ड्रेन है, डीप ड्रेन्स हैं, 3 लाख का जो काम है, ये बड़ी गहराना डिमांड थी लोगों की, क्योंकि ड्रेन्स का, क्योंकि जहाँ भी कोई जितनी मर्जी डेवलपमेंट कराओ, जब ड्रेनेज सिस्टम नहीं है हमारा, सारे डेवलपमेंट वेस्टेज है, तो वो ड्रेनेज सिस्टम आज ठीक करने के लिए वार्ड नंबर 5 में कूल कोठी चकनानक काम शुरू करवाया है, जिसमें से 2 लिंक हैं, एक लिंक या कैटलोस्को है, वो बड़ा ज़रूरी था, वो भी स्टार्ट करवाया, उसके साथ और एक लिंक है वो भी स्टार्ट करवाया। इसकी जो लागत आएगी 3 लाख रुपया लागत आएगी अंडर 14FC। तो मैं अपने लोगों को आपके माध्यम से ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जो मैंने वादे किए हैं अपनी पंचायत में सरपंच बनने के पहले, कि मैं डेवलपमेंट को रेत दूँगा और डेवलपमेंट जो आपकी करवाऊँगा
आर रूम डेवलपमेंट हो गई। कारण क्या है डेवलपमेंट रुकने का, आप सबको पता है कोविड 19 जो चल रहा है, ये पिछले 3 सालों से जब के हम सरपंच बने हैं तब से कोविड 19 चल रहा है। जो डेवलपमेंट की स्पीड है इससे वजह से भी कम हो रही, क्योंकि ऑफिसों में स्टाफ टाइम पे नहीं बैठ रहे हैं, टाइम पे टेंडरिंग नहीं हो रही है, टाइम में अच्छी मेंटेनेशन नहीं हो रही है और टाइम पे काम नहीं हो रहे हैं। और हमारे जो 2 साल बचे हैं, अब ये 2 साल सारे डेवलपमेंट के होंगे। मैंने पहले भी आपके माध्यम से बताया था कि मैं अपनी पंचायत जो है कि मॉडल पंचायत बनाऊँगा, और मैं ये आपको माध्यम से अपने लोगों को ये वादा करता हूँ, दोबारा अपने वादे को मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि मैं मॉडल पंचायत बनाऊँगा। जो गंडली गांव है मेरा, 1-3, 1-2-3-4 पंचायत वाड़े जो हैं मेरी पंचायत में, वो ऑलरेडी मैंने सोशल वेलफेयर से मॉडल विलेज अप्रूव करवा ली है। उसकी फंडिंग स्टार्ट हो जाएगी अप्रैल में, ये मार्च क्लोज होगा। तो All the working contractors of Jammu province are going on strike till their payments not cleared. The liability, which is almost 400 crores old and new under the head of NRDWP, languishing and Jal Jeevan Mission Extra. There is burden of bank loans, labor liability causing great humiliation, mental harassment for wrong policy of God. Negligent, unlawful act of engineers ignoring terms of agreement. From Kathua, Udhampur and Jammu. Riyasi. हम सभी आज पहली बार नहीं, पिछले एक बरस से हमने प्रयास किया है कि जो हमारी डिमांड्स हैं जिला स्तर से हायर लेवल तक वो पहुंचाई जाएं। हमने DDC के माध्यम से और फिर कंसर्न डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल के उनके माध्यम से और रिस्पेक्टेड चीफ साहब के माध्यम से लगातार हमने प्रयास किए हैं कि जो हमारे मुद्दे हैं, जो हम पे जुर्म किए जा रहे हैं, वो सरकार के नोटिस में लाए जाएं। और बड़ी दुख से कहना पड़ता है कि 6 महीनों में आपके माध्यम से द थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर ऑफ डेमोक्रेसी मीडिया के मारेगा, बगावत होगी और राइट टू स्पीक इज अ फंडामेंटल राइट। हम डेमोक्रेटिक वे से अपनी बात पहुंचा रहे हैं, आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर हमारे परिवार आज फुटपाथ पे आएंगे। अगर आपने अभी तक जेके खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, और ताजा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkekhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।